हेलो दोस्त, कल एक वीडियो मैंने बनाया था अपने ओल्ड चैनल पे, जिसमें हमने बात किया था ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सब में लागू होगा क्रिमिनल रेयर। सुप्रीम कोर्ट का अभी ऑर्डर आया है, हर कैटेगरी में एससी एसटी का वर्गीकरण किया जाएगा। उसका वर्गीकरण का अधिकार क्रिमिनल रेयर यानी उसके इनकम पे होगा, कितने पैसे लेगा। हालांकि इसकी कुछ कमियां भी है, कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है, सारी चीज़ों को यहाँ बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने बात किया कि सरकारी नौकरी और रेलवे जितने भी नौकरी होगा उसमें UREWS को बेनिफिट मिलेगा या एससी एसटी लाभान्वित होंगे। तो देखिए, इसमें भटकने की कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे महाशय लोग हैं केवल थंबनेल की बातें पढ़ते हैं, उनको वीडियो नहीं देखते, तो उन्हें पता नहीं चलता कि डिस्कस क्या हुआ है। जब तक डिस्कस को जानेंगे नहीं तो अपनी जो मन में भावनाएं, अच्छा रहेगा तो अच्छी बात बोल देंगे, बुरी रहेगी तो बुरी बोल देंगे, ये तो फैक्ट है। लेकिन रिजर्वेशन का बेनिफिट अगर सही मायने में कहें तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि देखिए, बेनिफिट तो मिलनी चाहिए, लेकिन बेनिफिट किसको मिलनी चाहिए ये भी एक पहलू है, और इस पहलू को नहीं देखा जाता है एससी एसटी में। हालांकि ओबीसी ईडब्ल्यूएस में ये फिल्टर किया हुआ है कि 8 लाख से कम होगा तो आपको नहीं मिलेगा। लोग लड़ने पे उतारू हो गए हैं ग्रुप में, बहुत सारे कमेंट मुझे दुर्भाग्यवश डिलीट करना पड़ा है, गाली गलौज तक लोग आ जा रहे हैं। लेकिन ये गलत बात है, कम से कम पढ़े लिखे लोग को तो सभ्य रहना चाहिए, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। हमने रेलवे लाइफ अपने चैट ग्रुप से बहुत सारे कमेंट डिलीट किया है, हालांकि ड्यूटी आते वक्त देर हो गया तो मैंने थोड़ा टाइम के साथ कर पाया। लेकिन ऐसी गलत भाषा ना मैं किसी को अलाउ करता हूँ, ना अपने चैनल पर भी। सीधा या तो आपको बैन किया जाएगा, या आपके अगर चलने तक होगा तो उसको एडजस्ट किया जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा अगर आप उतारू हो जाएंगे तो सीधा बैन, कोई किसी के सहानुभूति नहीं, ना ओबीसी से, ना ईडब्ल्यूएस से, ना एससी से, ना एसटी से, ना यूआर से। सब अपने भाई बंधु हैं, लेकिन एक मर्यादा में रहकर, मर्यादा से बाहर हो गए तो ना मैं आपका ना आप हमारे, सिंपल सी बात। आगे बताते हैं इसका बेनिफिट क्या होगा, इसको समझिएगा। बेनिफिट ये है कि देखिए, ऑलरेडी क्या होता है कि हर जॉब में अगर हमने ये एससी एसटी क्रिमिनल लेयर की बात कर रहे हैं तो कोर्ट का ऑर्डर देखिएगा तो बहुत सारे लोगों ने वेलकम किया है, और वेलकम बिल्कुल बिल्कुल जायज़ है। मैंने भी रात में बताया था कि एकदम बिल्कुल वेलकम है, क्योंकि किसी के फादर अगर आईएएस हैं, किसी के फादर अगर आईपीएस हैं, तो उनको अगर एससी एसटी के कोटा में बेनिफिट मिल रहा है तो जिसके फादर का इनकम 10 रुपये पर डे है उसको एससी एसटी कहेंगे, क्या कहेंगे हम, उनको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो दोनों को एक साथ अगर खड़ा करना है तो नहीं कर सकते ना आप। हो सकता है अगर आप ही आईएएस हो और एक मजदूर आदमी आपकी की कम्युनिटी में हो, अगर आप उसके घर जाना होगा तो शायद आप ही नहीं जाओगे, तो दूसरा कैसे अलाउ करेगा। इस चीज़ को समझने के लिए कि डिप्रिसिएंस कैसे करना है, उसकी चीज़ों को कैसे समझना है, तो देखिए एससी एसटी की जो मिल अगर सब काट होगा तो उसका बेनिफिट अगर एक एक करके वाले, हालांकि बहुत सारे अखबारों में मिल जाएगा आपको, बर्थडे ऑफ एससी एसटी क्लासिफिकेशन वेलकम टू बी एनेबल एविडेंट बेस ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोस्ट डिसएडवांटेज। वेलकम तो है, लेकिन उसके साथ साथ क्या कमियाँ हो सकती है, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ। अपनी भाषा में इसलिए कि कैंडिडेट को समझ में आए, बाकी पेपर का भाषा बहुत अलग अलग होता है। पहला ये बेनिफिट ये है कि जिसकी ज़रूरत है उसको लाभान्वित मिलेगा, एससी एसटी कास्ट से नहीं, जो उस क्राइटेरिया में आएगा। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि अभी तक एससी एसटी में भी आपके 50-100 कास्ट होते हैं। जैसे देखिए, बुरा कोई नहीं माने, आप कहीं रिजल्ट देखते होंगे, या आप अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप ही की बात किया जाए। मैं यहाँ पे एक बात सर्च कर लेता हूँ, एक मिनट, RRB जे अजमेर, मैं सर्च करके आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं ऐसे बात करना थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें आपके मन में भावना आ जाएगा। यहाँ पे आप पर कोई भी रिजल्ट का कटअप निकाल लीजिएगा, कोई भी आपके पास ही होगा, जो भी रिजल्ट मिल जाए, कोई भी रिजल्ट मान लीजिए, कट ऑफ निकाल लीजिएगा, ELP टेक्नीशियन ग्रुप डी, JEE किसी का भी निकाल लीजिएगा, या और दूसरा एक रिजल्ट निकाल लीजिएगा। तो रिजल्ट में क्या दिखेगा, बहुत सारे मीना भाई दिखेंगे,
और इधर अगर आप कट ऑफ निकालेंगे तो इनका मीना जी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहता है, किससे, दूसरे से, आरआरबी हैदराबाद सिकंदराबाद या कहीं भी जाइएगा तो इनका कट ऑफ ज़्यादा होता है, इवन एससी एसटी यहाँ ईडब्ल्यूएस से बहुत ऊपर आते हैं, क्योंकि ये सक्षम है उस चीज़ को फाइट करने में, कंपटीशन की तैयारी करने में, जिसके कारण से अपने कंपटीशन में अपनी कम्युनिटी में बहुत अच्छा करते हैं, यूआर में भी सिलेक्शन होते हैं और बहुत जगहों पे होते हैं। तो ये अगर सक्षम है तो इनको बेनिफिट अगर मिल रहा है तो इन्हीं स्टेट की बाकी और कास्ट हैं उनका भी कुछ ना कुछ नुकसान तो ज़रूर हो रहा होगा, ये चीज़ों को समझिएगा। अगर टेक्निकली सही है तो कोई बुरा माने या सही माने उस पर विचार नहीं करना चाहिए, तो उनका नुकसान होता होगा तो उन नुकसान को भरपाई किसके होगा, एससी एसटी से ही होगा ना, उसको दूसरे कम्युनिटी से तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल लोग हैं उनको मिलेगा और जिनको बेनिफिट हो रहा था वो तो विरोध करेगा, सिंपल सी बात है, तो उनके लिए एक बेनिफिट हो गया। वैसे ही आप बिहार में चले जाइए, मैं एक कास्ट की नहीं बात कर रहा हूँ, आपके पासवान साहब होंगे, पासवान साहब अपने कम्युनिटी में बेनिफिट उठाता है या नहीं उठाते हैं, क्योंकि उनके पास सक्षम है, उन्होंने मेहनत किया है, पॉलिटिकली भाग लिए हैं और बहुत आगे तक उन्होंने अपना गोल को सेट किया है, जिसके कारण से वो अपने एक ऐसे कंडीशन में कुछ पहुँचे हैं कि कुछ बेनिफिट उठा लेते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है उसका उठा रहे हैं, जिसके कारण से इन्हीं की कम्युनिटी में कुछ लोगों को दिक्कत आता है। यूपी में जाइएगा, यूपी में अलग कंडीशन होगा, साउथ में जाएंगे अलग कंडीशन होगा, अपने अपने स्टेटों में अलग अलग कंडीशन होगा, उसी तरह ओबीसी में भी है, लेकिन ओबीसी में लिमिट क्या किया हुआ है कि आपकी इनकम होनी चाहिए उससे नीचे, जिसको बोला गया है यहाँ पे क्रिमिनल लेयर, तो यही फिल्टर अगर क्रिमिनल लेयर का यहाँ भी लग जाए एससी एसटी में तो सबके लिए कुछ ना कुछ तो मौका मिलेगा, जिसका इनकम कम रहेगा उसी को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, जिनका इनकम ज़्यादा रहेगा वो यूआर में फाइट करेंगे, यही है ना, तो कोई गड़बड़ तो कानून नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होने के बाद भी कोई बेनिफिट ज़्यादा उठाएगा घटाएगा, वो गड़बड़ियाँ जिसको डिमेरिट की बात किया जा रहा है, वो डिमेरिट क्या है, तो देखिए जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एससी एसटी में होगा, ओबीसी में भी होता है कई जगहों पे, ईडब्ल्यूएस में भी होता है और एक कोर्ट केस में चला गया है, बहुत सारे केस चल रहे हैं, बहुत सारे पेपर निकले हुए हैं जिसमें ये बताया गया है कि जिनके इनकम 8 लाख से भी प्लस था उनका इनकम बहुत कम दिखाया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ईडब्ल्यूएस में भी ऐसा है, सब में अपवाद है, देखिए अपवाद पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन रूल का कंडीशन सही है, कंसेप्ट सही है, अगर कोई मिसयूज कर रहा है वो गलत है। तो यहाँ डिमेरिट यह है कि आपका एससी एसटी का लिमिट क्या रखेंगे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस इतना तो रख नहीं सकते, क्योंकि इनके बहुत सारे कम्युनिटी बहुत अभी पीछे हैं, इनके बहुत सारे जातियाँ नीचे हैं, तो उनको उठाने के लिए इनकी लिमिट को कम करना चाहिए, तो इसमें पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, जो फेयर कमिटी रिपोर्ट करेगी उस पर बात होनी चाहिए, और दूसरा इसका मिसयूज यानी जिनका इनकम उस लिमिट से ज़्यादा है उसको गलत तरीके से नहीं करें तो बाकी एक्चुअल को लाभ मिलेगा। लेकिन अगर सब कुछ रहते हुए भी अगर ओबीसी का अगर 27% रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट करने के बाद 20-22-23% 24% वैकेंसी देता है, तो उसमें से ज़रूरतमंद को कम से कम 20-22% तो मिल रहा है ना, वो चीज़ को देखिए। वैसे एससी एसटी का एसी में अगर 17% वैकेंसी है तो 17% का कुछ परसेंट तो मिलेगा, 15% जो भी रहेगा उसका तो मिलेगा, उसी तरह एसटी में 7.5% है उसका कुछ तो मिलेगा, तो जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट तो एक्चुअल तक पहुंचनी चाहिए, ये कंसेप्ट है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो मैं तो वेलकम करता हूँ, क्योंकि ये नियम एससी एसटी के विरुद्ध नहीं है, उनके विरुद्ध है जो ज़्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं और बाकी लोगों को नीचे की तरह और दबा रहे हैं, अपनी ही कम्युनिटी में रह के अपनी कम्युनिटी को ही दबा रहे हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी दूसरे कम्युनिटी से नहीं है कि आपको एसटी को सब कैटेगरी दे दिया, सब कैटेगरी करने से दूसरे को बेनिफिट मिलेगा, मिलेगा उन्हीं एसी कम्युनिटी के कैंडिडेट को और एसटी कम्युनिटी के कैंडिडेट को ही, लेकिन कंडीशन चेंज हो जाएगा, जिसके पास बहुत है, जिनके पास इनकम है, जिसके पास साक्ष्य है, उनको नहीं मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।